मैं एनडीए का पार्ट था और एनडीए में होने की वजह से और पार्टी की जो हमारी नीतियाँ थी वो बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं थी कि एनडीए में है नहीं है। तो मुझे तो एक स्पष्ट अपना निर्णय लेना था, मैं एनडीए में था तो मुझे लगा कि एनडीए के एक लेग के साथ जो मेरी विचारधारा मेरी मानसिकता से मेल खाती है मैं उसके साथ आ गया। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो थे काफ़ी घमंडी विचार के थे, अच्छे व्यवहार नहीं करते थे। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ चूँकि चिराग पासवान जी से मेरा बहुत ज़्यादा कोई इंटरेक्शन कभी हुआ नहीं, इसलिए मैं इस पे इसका कोई जवाब नहीं। मुख्यमंत्री के बारे में हमेशा भला बुरा कहते थे। अब बिहार में तो उसकी मैंने हमेशा भर्त्सना की है। मेरी निगाह में मैंने शुरू में भी कहा था जब आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था कि मुख्यमंत्री मेरे आदर्श रहे हैं शुरू से। तो चिराग पासवान क्या उनके बारे में कहते हैं ये उनकी सोच हो सकती है, मेरी सोच ये कभी भी नहीं। राजकुमार जी आप एकमात्र विधायक थे, अब लोजपा का कोई भी मतलब यहाँ नाम लेवा एक तरीके से कहा जाए विधानसभा में नहीं रहा उनका। देखिए लोजपा स्पष्ट तौर से मानती थी कि ये चुनाव उन्होंने जीतने के लिए नहीं लड़ा था। मुझे जब स्पष्टीकरण मांगा गया था तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा था राजकुमार जी, तो मैंने कहा था मैं जीतने के लिए लड़ा हूँ। तो मेरी और उनकी शुरू से कुछ सैद्धांतिक मतभेद इसी दृष्टिकोण से थे। तो शायद मैं लोजपा में था भी तो वो मुझे अपना नहीं मानते थे क्योंकि मैं इकलौता था और मैं क्यों जीता कैसे जीता इसका भी उनको अच्छी तरह से एहसास है। नहीं मुझे तो अभी विगत कुछ दिन पहले ही स्पष्टीकरण मांगा गया था, एक तरीके से यही स्पष्टीकरण है जो मैंने दिया। आज कितना खुश हैं जेडीयू मां के? मैं काफ़ी खुश हूँ। चिराग को कुछ नसीहत देंगे आप? नहीं, वो नसीहत देने की मेरी कोई मायने नहीं बनता है, नसीहत तो वक्त के साथ हर इंसान को खुद मिल जाता है। नीतीश कुमार से क्या बात हुई? नीतीश कुमार जी से हमारी शुरू से विकास के मुद्दे पे बात होती रही है। मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा से इनसे जो भी दो तीन बार मेरी मुलाकात हुई मैंने इनसे बात की और जब हर वक्त इन्होंने मुझे हमेशा कहा कि विकास के लिए मैं हमेशा आपके साथ में हूँ, आप कहीं पर भी रहें। विकास उनका भी एक सपना है बिहार का विकास और मेरा भी अपने क्षेत्र का विकास था। मुझे लगा कि इनके साथ रहकर मैं बेहतर अपने क्षेत्र के लिए कर पाऊँ। ये लोग सत्ता लोलुप लोग हैं और ये लोग कभी स्थिर रहने वालों में से नहीं है। राजकुमार सिंह पहले से ही इनका आचरण कुछ जो है संदिग्ध था जिसकी वजह से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने कारण बताओ नोटिस दिया था इनको और ये सख्त कदम था पार्टी का कि अगर पार्टी में रहना है तो पार्टी के डिसिप्लिन के मुताबिक रहना है। लेकिन पार्टी के सख्त कदम की वजह से ये देखे कि सत्ता की मलाई खाने से ये महरूम रह रहे हैं, इस वजह से भागे। अब ऐसे लोग हैं जो ये भूल जाते हैं और वक्त के हिसाब से अपना आचरण बदलते हैं। राजकुमार सिंह जी जब मटिहानी से चुनाव लड़ रहे थे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने वहां खुले मंच से ऐलान किया था मटिहानी की जनता से कि राजकुमार सिंह को विधायक बनाइए लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनेगी तो जो जदयू की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है इसकी जांच कराएंगे और जो लोग संलिप्त होंगे उनको जेल भेजेंगे। इन्होंने भी कहा था कि सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और आज सत्ता की मलाई खाने के लिए बोल रहे हैं कि जदयू में नीतीश कुमार जी जो है हमारे आदर्श हैं। चाहे इनको जनता बताएगी कि जनता ने इनको जो मैंडेट दिया था वो जदयू सरकार के खिलाफ मैंडेट दिया था लोजपा के अपने नीतियों की। वही कहा ना कि ये लोग स्पष्टीकरण नहीं दिए क्योंकि पार्टी में आदर्श है डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में अगर रहना है तो पार्टी में रहना है, पार्टी ने जो सख्त कदम उठाया तो भाग गए। और ये लोग कहा ना कि सत्ता की मलाई खाने के लिए अब सत्ता के बिना रह नहीं सकते थे इस वजह से ये चले गए। इंटरेक्शन चुनाव लड़ रहे थे टिकट लिए चुनाव जीते उसके बाद पार्टी में इनका खुद ही आना जाना जब कम हुआ इनके संदिग्ध आचरण की वजह से ही और उपाध्यक्ष के चुनाव में इन्होंने पार्टी के निर्णय के विरुद्ध जो है वोट डाला तो खुद ही पार्टी ने सख्त कदम उठाया था और जब पार्टी ने सख्त कदम उठाया तो ये भागे हैं। और ये भागे हैं मतलब ऐसा नहीं कि पार्टी से भागे हैं, जिस जनता ने इनको ये सम्मान दिया उस जनता के साथ भी धोखा किए, पार्टी के साथ धोखा दिए और सत्ता की मलाई खाने के लिए ये भागे हैं।